और ये हमारे गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल की प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होता है, अनुसूचित जाति का छात्रावास बना हुआ है जिसमें ये लड़कियाँ रहती हैं वहाँ। लेकिन वहाँ की जो वार्डन है वो दुर्व्यवहार करती है हमारे साथ, लड़कियों के साथ प्रताड़ित किया जाता है। उनको खाना, रात का खाना जो होता है वो दिया जाता है उनके साथ, खाना खाने में लट्ठे वगैरह कुछ भी होती है तो वो ये लड़के उनको शिकायत करती है लेकिन उनकी समस्या नहीं सुनी जाती और उनसे दुर्व्यवहार से बातचीत की जाती है, दुर्व्यवहार से बातचीत की जाती है। ये कुछ भी समस्या हो यहाँ बोलती है, समाज कल्याण विभाग में भी शिकायत की इन्होंने लेकिन इनके कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। वार्डन हमें ना बिना बेवजह ना परेशान करती है, मेंटली टॉर्चर करती है। वार्डन तो कुछ भी नहीं कहती, उनकी जो ब्रेन है ना वो मतलब बिना वजह कुछ भी बोलती रहती है और है ना 5-5 रुपये फाइन लेती है हर एक पर। एक छोटी सी गलती भी हो जाती है डेट की या मंथ की तो उसमें ही फाइन लेती है और रोटियां भी हमें बनानी पड़ती है। कभी उसकी बहन के मान सर्विस में है, सर्विस में नहीं है वो, उनकी सिस्टर नहीं रहती है तो वो काम करती है और उनकी सिस्टर होते हुए भी वही रहती है वहाँ पे, वही हमें मतलब टॉर्चर करती रहती है। रोटियां भी ना हमें जली जली और रात की भी दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी रात के आटे की रोटियां जो खराब हुआ होता है उसकी भी रोटियां बनानी पड़ती है और खाना तो हमें बनाना पड़ता है कभी कभी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और गीजर है ना जो वो चला 5 मिनट के लिए चलाते हैं ओनली।